अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हारिस किचन। आज मैं चिकन कलब सैंडविच की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 1/2 किलो चिकन लिया है। इसको बॉईल करके रेशे करके लिए मैंने। 250 ग्राम चिकन है, इसमें नमक अदरक लहसुन डालकर मैंने बॉईल करके लिया था। ये मैंने एक ककड़ी ली है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके लिए, ये आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं जितना चाहिए। 1 कटोरी मैंने चीज़ लिया है, मोजरेला एंड चेडर चीज़ है। ये ब्रेड के पीस है, मैंने 6 लिए। जितने इसमें बनेंगे उतने मैं बनाऊंगी। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई, 5 से 6 चम्मच मैंने 6 टेबल स्पून मेयोनीज लिया है, 3 टेबल स्पून केचप, टमाटर केचप, ये चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून जाएगा, और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले चिकन में हम लोग नमक डालेंगे। हमने चिकन में भी नमक डाला है तो उस हिसाब से डालेंगे, और ये काली मिर्च पाउडर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, इसमें आप गाजर भी डाल सकते हैं, कोई सी भी पत्ता को भी डाल सकते हैं, और इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। मेयोनीज डालेंगे, इसमें से 2 टेबल स्पून बचाएंगे ब्रेड को लगाने के लिए। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करके लेते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से चिकन को मिक्स करके लिया है। अब ये ब्रेड के हम लोग कट निकालेंगे साइड इस तरीके से। ये मुझे छोटा ब्रेड मिला है, सैंडविच ब्रेड बड़े आते हैं वो आप ले लो अगर आपको मिलता है तो, उससे अच्छे बड़े बड़े सैंडविच बनेंगे। इस तरीके से हम लोग काट कर लेंगे। ये देखिए, कट करने के बाद ये छोटा हो जाता है, तो वो बड़े सैंडविच अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये क्लब सैंडविच है तो उसको बड़े वाले ब्रेड लेते हैं। इस तरह काट के सारे तैयार करेंगे, और हम लोग इसका एक सॉस तैयार करेंगे। जो हमने मेयोनीज बचाया था उसमें केचप डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ब्रेड को लगाएंगे इसको, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वो जो मैंने चीज़ लिया है वो ग्रेटेड चीज़ लिया है, मोजरेला चेडर चीज़, आप स्लाइस भी ले सकते हैं, चीज़ के जो आते हैं वो भी डाल सकते हैं उसमें। अच्छे से इसको मिक्स करके रेडी करके रखेंगे। चलिए बनाना शुरू करेंगे सैंडविच। तो ये 3 बने ब्रेड के स्लाइस लिए, 2 पर हम लोग के जो सॉस हमने रेडी किया है वो लगाएंगे। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ये मेरा तरीका है, मैं मेरे तरीके से बना रही हूँ। कोई लोग इसमें अंडा भी डालते हैं, अलग अलग डालते हैं, सब्जियाँ भी डालते हैं, मैं इस तरह से बनाती हूँ। अंडे का मुझे हम लोगों को नहीं पसंद आता है। आप लोग चाहे तो इसमें बॉयल अंडा भी डाल सकते हैं कट करके। ये देखिए, ये 2 पीस रेडी हो गए। तो 1 पीस पे हम लोग चिकन लगाएंगे। इसको अच्छे से फैला कर लेंगे। ये इफ्तारी में अच्छा लगता है खाने को, ज़्यादा इसमें ऑयल वगैरह कुछ है नहीं, ये फ्राइड आइटम नहीं है, डीप फ्राई वगैरह, सिर्फ इसमें हमने मेयोनीज डाला है चीज़। तो ये लाइट सा सैंडविच अच्छा लगेगा, रोज़ रोज़ आप फ्राई आइटम खा भी नहीं सकते। अब इसके ऊपर दूसरा मैंने ब्रेड रख दिया है, जिसको मैंने ऊपर से सॉस लगाया था। अब इसमें हम लोग चीज़ डालेंगे। अब हम लोग ककड़ी लगाएंगे और टमाटर। ये ब्रेड छोटा है इसके लिए इसमें ज़्यादा नहीं रहता है। इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, और इसके ऊपर हम लोग दूसरा ब्रेड रख देंगे, और इसको अब हम टोस्ट करेंगे। तो अभी देखिए, सैंडविच को हम लोग टोस्ट करेंगे। तो मैंने ये सैंडविच मेकर लिया है, आप इसको तवे पर भी सेक सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये। इसको मैंने अच्छे से बटर से ग्रीस करके लिया है, बटर से अच्छा टेस्ट आएगा और एक क्रिस्पी भी बनेंगे। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे जो हमने तैयार करे सैंडविच।
इसको आप इस तरह से कच्चे भी खा सकते हैं, मतलब बिना सेके टोस्ट किए, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको अच्छे से प्रेस करके दबा देंगे। ये देखिए अच्छे से सेक चुके हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैं इसको निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करूँगी। ये देखिए हमारे चिकन क्लब सैंडविच बनके तैयार है, एकदम मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।